हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 की संस्कृत का पार्ट 4 पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ पार्ट 4 नीति श्लोक। नीति के श्लोक में हमें ऐसा ज्ञान मिलता है जिस ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। इस लेसन में एक ऋषि जो है वो एक राजा को जीवन के सुख के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं और जीवन के सुख के बारे में बताते हुए वे ये श्लोक पढ़कर और राजा को इसका अर्थ अनुवाद समझाते हैं। देखिएगा, फर्स्ट श्लोक है अर्थावहो नित्यं रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन। वो ऋषि क्या बोलते हैं, हे राजन, नित्य धन का आगमन हो, मीन्स रोज धन आता रहे, प्रिय बोलने वाली पत्नी हो, मीठा बोलने वाली पत्नी हो और प्यारी पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो और कमाने वाली विद्या हो, मीन्स ऐसी विद्या हो जिससे हम कमा सके, पैसा कमा सके। ये 6 सुख जिसके पास है उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। ये 6 जो है वो जीवन के सुख कहलाते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखिए, अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दुष्णम अमृतम राहवे मृत्युः विषम शंकर भूषणम। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दुष्णम। आज्ञा शक्तिशाली व्यक्ति के लिए जो अनुचित होता है वो भी उचित बन जाता है और जो नीच व्यक्ति होता है या बुरा व्यक्ति होता है उसके लिए उचित भी अनुचित बन जाता है। किस प्रकार से, जैसे राहु ने अमृत का पान किया था, राहु ने अमृत पिया था तो भी वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और शंकर भगवान ने विष का पान किया तो भी वे भगवान रहे और विष उनका आभूषण बना। नेक्स्ट देखिए, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितं मृत्युमापद्यते मोहात् सत्येनापद्यते मृतम्। अमरता और मृत्यु, ये दो चीज जो है वो दोनों हमारे शरीर में ही होती है। अमर होना या मृत्यु को प्राप्त होना ये हमारे शरीर में ही होता है। कैसे, जब कोई मनुष्य मोह में फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है और जब वो मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई को जान लेता है, सत्यता को जान लेता है तो वो अमर हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, आपसु मित्रम जानिया युद्धे शुरम धने सुचिम भार्याम क्षीणेशु वित्तेषु व्यस्तेषु च बांधवा। इस श्लोक में किसकी पहचान कब की जा सकती है वो बताया गया है। आपसु मित्रम जानिया, जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, उनकी पहचान संकट में की जाती है। जैसे संकट अपने ऊपर, कोई संकट आया तो मित्र अपनी हेल्प कर रहा है, दोस्त अपनी हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मित्र की पहचान संकट में। युद्धे शूरम धने सुचिम, और युद्ध जब होता है तब शूरवीर की पहचान की जा सकती है कि सामने जो युद्ध में खड़ा है वो कितना शूरवीर है, कितना ताकतवर है। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, और जब कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है, उसकी सारी संपत्ति उससे छीन हो जाती है, तब वह अपनी पत्नी की पहचान कर सकता है। व्यस्तेषु च बांधवा, भाई बंधुओं की पहचान बुरे समय में की जा सकती है। जैसे किसी पर बुरा समय आया तो उसके भाई उसकी कितनी हेल्प करते हैं वो पहचान बुरे समय में की जा सकती है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 5, आरोप
निपात्यते क्षणे नाड तथात्मा गुणदोषयो। आरोप्यते शिलाशैले, जिस प्रकार कोई बड़ी शिला या कोई बड़ा पत्थर चट्टान पर किसी पर्वत पर चढ़ाने में कितना समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और उसी पत्थर को यदि पर्वत से हम नीचे फेंकेंगे तो वो आसानी से जल्दी से नीचे आ जाता है। तो जिस तरह से चढ़ान पर्वत पर पत्थर चढ़ाने में ज्यादा समय लगता है और नीचे गिराने में कुछ क्षण में ही आ जाता है, उसी तरह से परिश्रम, उसी तरह से निपात्यते क्षणे नाड, मनुष्य अपने गुणों के आधार पर ऊंचाई को प्राप्त करता है, और यदि उसमें एक दोष है और उसने कुछ गलत काम कर दिया तो वो दोष उसे क्षण भर में नीचे लाकर खड़ा कर देता है या नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 6, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जप्तो नास्ति पातकम, मोने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम्। पर उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, दारिद्र्यम मीन्स होता है गरीबी, और उद्योगे मीन्स होता है परिश्रम। परिश्रम या मेहनत करने से गरीबी दूर हो जाती है, हम मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। उसी तरह से भगवान का जाप करने से पाप दूर हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। मोने च कलहो नास्ति, और चुप रहने से झगड़ा खत्म हो जाता है। जैसे दो व्यक्ति अगर आपस में लड़ रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति चुप हो जाता है तो झगड़ा वहीं पर समाप्त हो जाता है। नास्ति जागरिते भयम्, और सतर्क रहने से या फिर जागते रहने से चोरों का भय दूर होता है। नेक्स्ट श्लोक 7 नंबर, किम छिद्रम को नु संगो में, किम वासत्य विनिपातितम, कुतो ममाश्रयेत दोषः इति नित्यं विचिन्तयेत्। किम छिद्रम, मुझ में क्या बुराई है, क्या कमी है, और वह कौन सी वस्तु है जो नष्ट हो सकती है, मुझ में बुराइयां कहाँ से आती है, इन सब चीजों के बारे में हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। हमारे अंदर जो बुराई होती है वो बुराई कहाँ से आई है, कहाँ से हमने गुण एकत्रित किए हैं और कहाँ से दोष, और हमें किस किस प्रकार की बुराई है, ये सब चीजों के बारे में प्रतिदिन हमें सोचते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपेह प्रयोजनम, विक्रियन्ते न घटाभिर्गावः क्षीर विवर्जिता। हमें गुण अर्जित करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, और बाहरी जो आडंबर होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जिस तरह से दूध ना देने वाली गाय, विक्रियन्ते, विक्रियन्ते मतलब बेचना, और घड़ा भी घंटा भी गाव मीन्स घंटी टांगना, घंटी लगाना, घंटी बांधना, तो हमें गुणों को एकत्रित करते रहना चाहिए। और बाहरी आडंबर का मीन्स होता है जो दिखावा करते हैं, अंदर से कैसे भी हैं लेकिन बाहरी दिखावा करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि यदि दूध ना देने वाली गाय के गले में घंटी भी बांध दी जाए तो वो गाय बेची नहीं जा सकती, क्योंकि वो दूध ही नहीं देती है। तो ऊपरी दिखावे से आप उस गाय को कितना भी सजा लो लेकिन कोई खरीदने वाला तैयार नहीं होगा। उसी तरह से यदि हम में कोई गुण नहीं है, हम ऊपरी तरह से कितने भी अच्छे से रहें, अच्छा पहने, लेकिन हम में गुण नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट, निर्धनस्य विषम भोगो, निस्सत्वस्य विषम रणम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजनम विषम। गरीब के लिए जो भोग विलास होता है वो विष के समान होता है। भोग विलास मीन्स किसी और व्यक्ति का धन देखना, धन देखकर अपने मन में ऐसा सोचना कि उसके पास कितना अच्छा है, उसके पास कितने अच्छे कपड़े हैं, तो हम सोच भी लेंगे तो कर जा सकते हैं। इसलिए गरीब व्यक्ति को भोग विलास के बारे में सोचना विष
शक्ति नहीं होती है उसको युद्ध के बारे में सोचना विष के समान है, क्योंकि वो किसी से युद्ध कर ही नहीं सकता, उसमें ताकत ही नहीं है। उसी प्रकार अभ्यास न करने पर शास्त्र विष के समान है, यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो हमने सीखा है वो भी हम भूल जाएंगे। तो अभ्यास जो नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, उसके लिए जो शास्त्र है, पढ़ाई है, वो विष के समान होती है। और अपच होने पर भोजन विष के समान होता है, यदि हमें पेट दर्द है या भोजन हजम नहीं हो रहा है, अपच हो रहा है, तो उसके ऊपर हम कितना भी और भोजन खा लेंगे तो वो हमारे लिए जहर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोग श्लोक घर पर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और इसके शब्दार्थ आप बुक में से नोटबुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।